Now today we start our chapter number 3 from our yoga education of our supplementary reader of class 8. And the third chapter is Shatkarma, means 6 cleansing techniques. तो यहाँ हट योग जो होता है उसमें 6 cleansing techniques बताई गई हैं अपनी body को साफ रखने के लिए. तो उसमें से first है वो है धौती, second है बस्ती, नेति, नौली, तार्तका एंड कपालभाति. तो ये जो 6 टेक्निक्स हैं योगा की, इन्हें शतकर्म के नाम से भी जाना जाता है. दे हेल्प इन क्लिंजिंग अवर बॉडी, ये मदद करते हैं हमको हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए इंटरनली. एक्सटर्नली तो आप अपनी बॉडी को क्लीन करती हैं, ये इंटरनली करने के लिए यूज की जाती हैं. तो फर्स्ट है इसमें धौती टेक्निक. इट इज द फर्स्ट टेक्निक, ये पहली टेक्निक होती है. इट क्लीन्स द एंटायर एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम माउथ टू एनस एंड स्टमक. तो इसमें क्लीन करता है पूरा एलिमेंट्री जो कैनाल होती है हमारे मुंह से लेकर जहां से हम अपना वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं वहां तक, पेट वगैरह सब लेकर. तो ये टेक्निक को धौती टेक्निक कहा जाता है. सेकेंड है आपका बस्ती टेक्निक. इट क्लीन्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड टोन्स. इस टेक्निक से जो आपकी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, वो क्लीन होती है. उसके बाद आती है नेति क्रिया, ये आपकी नेजल रीजन जो नाक वाले जो पोर्शन है उसको क्लीन करने का काम करती है. फिर है नौली क्रिया. इट टोन्स एंड मसाजेस एब्डोमिनल ऑर्गन, जो हमारे ये बीच का पेट वाला हिस्सा रहता है उसको मसाज करने का काम करती है. फिर है तार्तका. इट इज कंसंट्रेटेड गेजिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. इससे जो कंसंट्रेशन होता है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक एक ही समय में कई बहुत देर तक देखने से जो गेजिंग पावर है हमारी, एक एक दृष्टि जिसको बोलते हैं, एकाग्रता, वो बढ़ती है. एंड द सिक्स्थ वन इज कपालभाति. इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ लंग्स, ये लंग्स की एक्सरसाइज है. एंड इट एलिवेट्स लंग प्रॉब्लम्स, और इसको करने से जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है. तो दीज टेक्निक्स शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय रीडिंग अ बुक और बाय लर्निंग फ्रॉम अनएक्सपीरियंस्ड मैन. तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये जितनी टेक्निक्स हैं आपको बुक में पढ़कर नहीं करनी है, और ना ही कोई जो अनएक्सपीरियंस्ड आदमी होता है उसके द्वारा बताए जाने पर आपको ये करना है. ये सारी टेक्निक्स जो भी हैं वो प्रैक्टिस आप करेंगे कोई ट्रेंड टीचर के गाइडेंस के अंदर, और उसके अंडर में करेंगे जो भी ट्रेंड टीचर होगा उसके गाइडेंस में, किसी के बताए अनुसार या बुक में पढ़कर ये एक्सरसाइज नहीं करनी है. तो ये जो हैं जितने भी ये टेक्निक्स मेंशन किए गए हैं शतकर्म में, तो इनमें जो सबसे सिंपल होती है वो होती है नेति क्रिया. नेति क्रिया जो कि नेजल जो रीजन होता है वहां पर की जाती है. तो उसमें से भी जो नेति क्रिया है, तो यहाँ पर आपको नेति क्रिया डिस्क्राइब की गई है कि नेति क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है जला नेति और एक होती है सूत्र नेति. तो जला नेति में यहाँ पर आपको उसका पूरा जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या सामान लगेगा, देन व्हाट द मेथड ऑफ दैट क्रिया, दैट पोजीशन, दैट टेक्निक क्रिया उसकी बताई गई है किस तरह से करना है. मैं आपको उसके बेनिफिट बता देती हूँ कि जला नेति रिमूव्स हेडेक. इसको करने से हेडेक दूर होता है, साइनस की जिनको प्रॉब्लम रहती है वो रिमूव होती है, सर्दी और जो बाकी के चीज़ें हैं अलाइनमेंट्स हैं वो सब चीज़ें जो है जितने भी हैं वो रिमूव हो जाते हैं. इससे इम्प्रूव होती है हमारी आई साइट और मेंटल पावर इंक्रीज होती है. और इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं कि किस तरह के व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए. जिनको क्रॉनिक ब्लीडिंग नोज से होती है उनको नहीं करना चाहिए बिना किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के. और जो आप पानी इसमें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको आपको अपनी नॉस्ट्रल में डालना है, नाक में डालना है. तो इतना लीजिए कि वो आराम से और बियरेबल वाटर हो. इसके बाद सूत्र नेति आता है. तो इसमें एक थ्रेड का काम रहता है, कॉटन थ्रेड से इसको यूज़ करके बनाया जाता है. एंड द बेनिफिट्स ऑफ इट, रिपीटेड कोल्ड और साइनसेस इज क्योर. जिनको बार बार सर्दी होती है या जिनको साइनस की, नाक की हड्डी बढ़ने की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाता है. दोज हु हैव डिफॉर्म नेजल बोन और फ्लैशी आउट ग्रोथ, द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नेति
कॉजेज दिस एब्स्ट्रक्शंस टू डिसअपेयर। बहुत सारे लोगों को ये नेजल बोन जो है वो बढ़ी हुई होती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है ज़्यादा, तो ये रेगुलर करने से ये डिसअपेयर हो जाती है। इससे भी आई साइट इम्प्रूव होती है और ये मेंटल पावर को बढ़ाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेसन ऑफ शतकर्म, वेयर वी फाइंड सिक्स क्लिंजिंग टेक्निक्स ऑफ द बॉडी, एंड एट द डॉक्यूमेंट्री स्टडी योर सेल्फ यू गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो यू हैव टू राइट इट इन योर फेयर नोटबुक।